जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं रेलवे मिनिस्ट्री के एक रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट आपके मेंस एग्जाम में काम आएगा। हमारे यहाँ ऐसे कई सारे केसेस हैं जो किडनैपिंग से रिलेटेड हैं, इसी पर रेल मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा किडनैप किया गया है या अगवा किया गया है। इसके अपने कई सारे रीजन बताए गए हैं, जैसे कि देह व्यापार करना या फिर मादक पदार्थों की तस्करी करना या जबरन मजदूरी करना या घरेलू काम कराने के लिए। इसके अलावा उनके अंगों का प्रत्यारोपण करने के लिए भी, जैसे कि कई सारे जगहों पर क्या होता है कि इन बच्चों को किडनैप करके ले जाया जाता है, कभी उनकी आँखें, कभी किडनी, इन सबको बेच दिया जाता है। अब इसके साथ ही रेलवे ने एक बात पर ध्यान दिया, बच्चे जो कि यात्रा कर रहे हैं, ट्रेवल करते हैं रेल में, तो उनकी सुरक्षा को लेकर एक मानक बनाया, और ये मानक बनाया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से। और ये मानक जब तैयार हो गया तो देश के लगभग 150 रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पिछले 6 साल के दौरान RPF ने 2719 बच्चों को मानव तस्करी के चपेट में आने से बचाया। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, कई सारे बच्चों को बहला फुसलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। जहां पर भी RPF को शक हुआ वहां पर उन लोगों ने कार्रवाई की और इसी वजह से कहीं ना कहीं 2719 बच्चों को बचा पाए। जिन बच्चों को मानव तस्करी से बचाया गया ये ज़्यादातर बंगाल, बिहार, पूर्वी राज्य, उत्तर प्रदेश और झारखंड के हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2022 में RPF ने एक अभियान चलाया, उसका नाम है आहत, और इस आहत के तहत ही अपहरण बच्चों को बचाने की कोशिश की गई, इन्हीं के लिए ये अभियान चलाया गया। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जब यह अभियान चलाया गया आहत अभियान, इसके तहत 541 बच्चों को बचाया गया, और यहीं पर ये देखा गया कि इन 541 बच्चों में 436 लड़के थे और 105 लड़कियाँ थीं। इसके साथ ही कुछ खास जानकारी जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे देश में RPF की मानव तस्करी रोधी यूनिट हमारे देश के लगभग 700 रेलवे स्टेशन में कार्यरत है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किन्हीं कारणों से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं और वो कभी कभी मानव तस्करी के शिकार हो जाते हैं। उनको बचाने के लिए नन्हे फरिश्ते नाम का एक अभियान चलाया गया है। जनरली क्या होता है कि आप चाहे CSE एग्जाम दें या फिर PCS एग्जाम दें, वहाँ पर मानव तस्करी से रिलेटेड टॉपिक तो होता ही है। जब आप क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें तो इस टाइप की जो रिपोर्ट है उनको भी अपने आंसर में ऐड करें,